ऑल ऑफ यू क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा बेटा कि अभी भी आप कभी भी, एक तो घर जाने से बाहर अगर आपको लगे कि घर जाना बहुत आवश्यक है तो कम से कम दो चार प्रिकॉशंस आप इस्तेमाल करें। जूते का प्रयोग कम करें, चप्पल का प्रयोग करें, घर से बाहर रखे चप्पल को धोने के बाद ही घर के अंदर ला लें। तीसरी बात यह है कि मास्क लगा के रहें। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोई भी दो आदमी के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस, मतलब दूर से ही सामान खरीदें और फिर इस बात का ख्याल रखें कि अगला आदमी कंटामिनेटेड है। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग जीभ से, मतलब टंग। टंग क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं। अब देखिए इसमें जो कुछ कलर्ड पार्ट्स हैं उसको आप आसानी से देख सकते हो। चलिए क्लास सेवन, मतलब 32 दांतों के बीच में जीभ होता है। बेचारा कुछ से कुछ बोल के अंदर घुस जाता है लेकिन भोगना पूरे शरीर को पड़ता है। मेरा मतलब यह है बेटा कि अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा खा लिए तो जीभ को तो बहुत अच्छा लग गया लेकिन शरीर को हानिकारक हो गया। इसीलिए टोंग किसे कहते हैं, लेट्स वी हैव अ लुक ऑफ डिफिनेशन। अ फ्लैसी मस्कुलर टोंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। Tongue has taste buds which identify sweet, salt, bitter and sour taste। यह एक मांसपेशीय भाग है गूदेदार जो मुंह के सतह के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें कई कलियां एक तरह से निकली होती है, बड्स टाइप के छोटे छोटे। उसमें आपको सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो मीठा पार्ट को, उसके तुरंत बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा और लास्ट में जाकर के तीखा वाला जो हिस्सा होता है वो। तो आप अपने बुक को आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल जो फ्रंट पार्ट है बेटा वो स्वीट पार्ट है। तो हम लोग टांग से शुरू करते हैं। इट इज अ फ्लैसी मस्कुलर पार्ट attached with the floor of mouth it has taste buds टेस्ट बड्स एंड स्वीट सॉल्टी सावर एंड बीटर। आई हैव रिटन इट इन सीक्वेंस। वेरी अपर, वेरी फ्रंट पार्ट इज स्वीट, देन सॉल्टी, देन सार एंड द लास्ट वन इज बीटर। नाउ लेट्स वी हैव अ लुक ऑन फंक्शंस ऑफ टंग। क्या क्या उसके क्रियाकलाप हैं। टोंग टेस्ट द फूड, इट मिक्सेस सैलिवा विथ फूड ड्यूरिंग चेइंग। इट का मतलब टॉन्ग मिक्सेस द सलाइवा
विथ डस्टबिन। थर्ड वन, इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द टीथ फॉर चेयिंग। भोजन को दांत से चबाने के लिए भोजन को जीभ उसकी ओर धकेलता है। उसके बाद टोंग हेल्प्स इन सोइलिंग द फूड। It helps in speaking. This is most important. Tongue helps in speaking. Now, digestion of food, second stage. Sir, you please take us, sir. Position premolars and molars. बेटा premolar मतलब molar से पहले वाला दांत, इसका मतलब ये हुआ कि incisor के तुरंत बाद वाला जो दांत होता है, जो चबाने में काम आता है, उसको हम लोग premolar कहते हैं, और last वाला जो चौवा होता है जिसको हम लोग molars कहते हैं। So as I am thinking there is no particular definition writing. There is no need of writing. Premolars are used for grinding and chewing the food. They have broad and flat grinding surfaces in two sets, milk teeth, sub, etc. I had already discussed in the class and I hope you all will have understood it. Premolars, those teeth which are just beyond the incisors. Two pair of teeth are found in our mouth, upper jaw and lower jaw, both. Now this is the second step for digestion of food. Dear students, I request you, beta, you must contact your book also. You will get adequate study. अगर आप अपनी किताब को सामने में रखते हो, फिर मोबाइल के सामने में रखो और उसमें देखो कि सर आज क्या पढ़ाए हैं, और उस हिसाब से जो फिगर की ज़रूरत है, जो हम लिखा रहे हैं आपको बोर्ड पे, उसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट करो, और वहाँ उसके जस्ट बगल में जो फिगर की ज़रूरत है उसको आप कलर पेंसिल से बढ़िया से ढंग से बनाओ, और कोशिश करो बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने स्टडी में लगाओ। डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। देखिए डाइजेशन जो हमारे बॉडी में है उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, उसी स्टेप्स में ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो डाइजेशन इन माउथ हो रहा है। अब इस डाइजेशन ऑफ माउथ में आप फर्स्ट स्टेप हमारे पास में जो है वो है आपको कि पहले मुंह में खाना पचता है, आप मुंह में चबाने से पहले उसमें सलीबा से एक सलाइवरी ग्लैंड से सलीबा निकलता है, ये खाने को जो है वो सॉफ्टेन करने में मदद करता है। फिर उसके बाद वो खाना ऑसोफेगस में आता है, ऑसोफेगस में जो नलिकाएं होती हैं उसमें पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होता है, मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स करना। अब उस मूवमेंट के द्वारा खाना धीरे धीरे वो स्टोमेक में पहुंचता है, स्टोमेक में रिस्पायरेशन फंक्शन से जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं बेटा उसमें भोजन पचता है, उसमें डाइल्यूट सिस्टम्स जो होते हैं वो उसमें लार्ज इंस्टेंटाइन में पाले चला जाता है, फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन में, और स्मॉल इंस्टेंटाइन से जो वास्टेज होता है हमारे बॉडी में वो दो तरह से, एक तो एयर से भी हो जाता है और दूसरा किडनी के द्वारा जो वाटरस पर सब्सटेंसेस हैं उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाला जाता है,
और जो सॉलिड मिक्स वाटर सब्सटेंसेस होते हैं उसको स्टीम के रूप में एनएस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा इंटायर सिस्टम है डाइजेशन का, उसमें हम लोग इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसीलिए इसको यूज़ करते रहें। एंड वेन एवर इफ़ यू आर फीलिंग अनइजीनेस चलिए डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट स्टेप है बेटा इंजेशन, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, फिफ्थ स्टेप है इजेशन। इसी स्टेप्स में एक है डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। इंजेशन जो होता है वो भोजन लेने की प्रक्रिया, तो कहाँ से लेते हैं, माउथ से, तो डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। द प्रोसेस बाय विच food is inhaled into our mouth is known as इंजेशन। तो फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, the food is chewed and in mouth, food is chewed and grinded by our teeth. Into a fine paste. Three pairs of salivary glands release saliva. In the mouth.
सलीवा इज अ विस्कियस ट्रांसपेरेंट लिक्विड transparent liquid which contains mainly water mainly water salt and mucin Saliva moistens the food and makes the chewed food. Moisten मतलब भींगा देता है एक तरह से. Moisten the food. And help in chewing. In next class, we will study about the salivary MLC and then after we will go deep into the esophagus or food pipe. As I had earlier described you that how digestion takes place in our body. Thank you and have a nice day. Okay.